गुड मॉर्निंग मॉडल स्टार्स, हाउ आर यू चिल्ड्रन? फाइन, वेरी गुड। क्लास थर्ड, आज आपका संस्कृत का टर्न है। ओके, मैंने आप लोग को चैप्टर 4 करण कारक तक पढ़ाया था। आप सभी बच्चों ने इसको रीड किया होगा। मैंने एक्सरसाइज सब करवाई थी और कॉपी वर्क करवाया था, अनुवाद भी करवाया था। और मैंने क्या दिया था लर्न करने के लिए? पठ धातु लट लकार के रूप में। सभी बच्चे इसको लर्न करिएगा, क्योंकि जब मैं आप लोग से पूछूंगी तो आप लोग को इसका आंसर पता होना चाहिए। ठीक है, अब मैं चैप्टर 5 स्टार्ट करने जा रही हूँ, संप्रदान कारक। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि संप्रदान कारक किसे कहते हैं। फिर देखिए, अत्यंत इष्ट समझकर जिसको कोई वस्तु दी जाती है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह के लिए अथवा को है। जैसे राजा ब्राह्मण को वस्त्र देता है, को आया ना यहाँ पे इसका चिन्ह, तो यहाँ पे कौन सा कारक हुआ? संप्रदान कारक, है ना। आप लोग को जो भी मैंने कारक रीड करवाए हैं अब तक, बहुत सारे कारक मैंने पढ़ा दिए, कर्म कारक, करण कारक, है ना। तो ये जो कारक हैं, तो इसमें आप लोग को ये विभक्ति चिन्ह आप लोग को पता होना चाहिए कि किस कारक में कौन सा चिन्ह लगा होता है। ठीक, मैंने शुरू से आप लोग को पढ़ाया था, जब चैप्टर 1 से स्टार्ट किया था मैंने, उसमें कविता थी। तो चैप्टर 2 में कर्ता कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? ने। फिर उसके बाद कौन सा चैप्टर था? कर्म कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? को। ठीक, उसके बाद था करण कारक में कौन सा विभक्ति चिन्ह होता है? से, के द्वारा, के साथ। फिर आप पढ़ रहे हैं संप्रदान कारक, तो इसमें के लिए चिन्ह का उपयोग होगा या को होगा। ठीक है, नृप, नृप राजा, राजा को संस्कृत में क्या बोलते हैं? नृप। नृपा विप्रेभ्य वस्त्राणि ददाति, राजा ब्राह्मणों को वस्त्र देता है। तो को, जिसके लिए यहाँ पे प्रयोग किया जाता है, अत्यंत इष्ट समझकर जिसको कोई वस्तु दी जाती है, मतलब छोटा समझकर या इष्ट समझकर। इष्ट, इष्ट मतलब क्या होता है? बहुत ही प्रिय। इष्ट समझकर जिसको जो वस्तु दी जाती है उसको क्या बोलते हैं? वहाँ पे क्या आता है? संप्रदान कारक आता है। ठीक है, इसको आप लोग रीड करिए, कुछ मिसप्रिंट है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं आप लोग को अगर लिखवाऊंगी संप्रदान कारक के की परिभाषा, तो मैं आप लोग को नेक्स्ट टर्न पे लिखवाऊंगी। अभी आप इसको रहने दीजिएगा, सिर्फ इतना पढ़िए कि जो विभक्ति चिन्ह होता है इसका के लिए होता है। अभी मैं आपको परिभाषा लिखने को नहीं दे रही हूँ, जब मैं परिभाषा लिखने दूँगी तो मैं उसको कॉपी में नोट डाउन करूँगी, तब आप उसको लिखिएगा। ठीक है, अभी आप इस चैप्टर को बस रीड करिए। ठीक, फिर मैं आप लोग को अच्छे से बताऊँगी कि इसका एक्चुअल में सही परिभाषा क्या है, इसमें गलत दिया हुआ है और मिसप्रिंट भी है। ठीक, यहाँ आप लोग पढ़िए, यहाँ से स्टार्ट करिए, सही बच्चे इतना पढ़िए। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेश जी को नमस्कार। नमः मतलब नमस्कार। गणेश जी को तो सभी जानते हैं, गणेश जी सबसे पहले प्रथम भगवान में कौन आते हैं? गणेश जी। सबसे पहले पूजा किसकी होती है? गणेश जी की। तो श्री गणेशाय नमः, नमः मतलब नमस्कार। फिर देखिए, श्री गुरुदेवाय नमः, है ना। फिर उसके बाद क्या लिखा है? श्री गुरु को नमस्कार। नमः मतलब नमस्ते करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखिए नमस्ते कर रहा है ना, चित्र में बना हुआ है। फिर देखिए, श्री जनकाय नमः, जनकाय मतलब पिताजी, श्री पिताजी को नमस्कार। फिर देखिए, माँ सरस्वत्यै नमः, माँ सरस्वती को नमस्कार, है ना, लिखा है ना, माँ सरस्वती को नमस्कार। फिर देखिए, ओम नमः शिवाय, शिव जी को नमस्कार। ओम नमः शिवाय मतलब शिव जी को नमस्कार। अग्नि स्वाहा, अग्नि को स्वाहा। तो ये संस्कृत के जो कुछ शब्द हैं उसको हिंदी में दिया हुआ है, तो आप लोग को समझना होगा कि नमः का अर्थ क्या होगा, नमस्कार, है ना, सरस्वती सरस्वती, शिवाय शिव, अग्ने अग्नि मतलब आग, है ना, जनकाय पिताजी,
गुरुदेव आए, गुरु जी, टीचर, है ना। तो ये सब संस्कृत में जो शब्द दिए गए हैं उसको जब आप हिंदी में रीड करोगे तो आपको समझ में आएगा कि संस्कृत का हिंदी मतलब क्या होगा। फिर देखिए यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीडडम पीडडम पीडनम। ठीक है, इसको फिर से पढ़िए। अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकारा पुण्याय पापाय पर पीडनम। इसको आप लोग रीड करिएगा ताकि आप लोग हिंदी मीनिंग इसको समझ में आए। इसका हिंदी मीनिंग ये लिखा हुआ है, श्री व्यास जी की 18 पुराणों में दो ही बातें प्रमुख हैं, परोपकार पुण्य के लिए तथा दूसरों को सताना पाप के लिए होता है, है ना। अगर आप कोई परोपकार करेंगे तो आप क्या करेंगे, पुण्य कमाएंगे, अच्छा बनेंगे। पुण्य कमाना मतलब क्या होता है, पुण्य कमाना मतलब आप आशीर्वाद ही पाएंगे, है ना। और जब आप दूसरों को सताएंगे तो ये पाप के भागीदार होंगे, आप पापी हो जाएंगे और आपसे पाप हो जाएगा एक तरह का। ठीक है, तो इसमें बताया गया है अष्टादश मतलब 18, अष्टादश मतलब 18, अष्ट मतलब 8, दश मतलब 10। जब अष्टादश मिलेंगे तो क्या बनेगा, 18। ठीक है, फिर देखिए हम लोग नेक्स्ट पेज में देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्त्या परेशान पर पीड़नाय। क्या लिखा है, दुष्ट अर्थात मूर्ख की विद्या झगड़े के लिए, धन अहंकार के लिए तथा ताकत दूसरों को सताने के लिए होते हैं, है ना। ये तो आपको पता होगा, अगर कोई दुष्ट व्यक्ति है और वो मूर्ख है, मूर्ख मतलब दुष्ट हुआ, वो मूर्खी हुआ, अगर वो समझदार होता है तो वो दुष्ट नहीं होता, है ना। जो मूर्ख है अपनी विद्या झगड़े के लिए प्रयोग करेगा, अपना धन अहंकार के लिए। अहंकार मतलब क्या होता है, घमंड दिखाना, ईर्ष्या करना, जलन होना। ठीक, अहंकार घमंडी होना एक तरह से बोल देते हैं ना, मुझे बहुत घमंड है कि मेरे पास बहुत पैसा है। तो ये मूर्ख ही तो ये काम करेगा ना, दुष्ट ही तो ये काम करेगा। कुछ दुष्ट होंगे तभी तो अहंकार दिखाएंगे कि मेरे पास ये है, मेरे पास वो है। और जो ताकत होती है वो दूसरों को सताने में होती है। दूसरों को सताने मतलब परेशान करना उसको, उसकी कि तरह तरह से उसकी बुराई करना, उसको ताने मारना, लड़ाई करना। तो ये सब कौन करता है, मूर्ख करते हैं, दुष्ट करते हैं, है ना। फिर देखिए खलस से साधो विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय चा रक्षणाय। इसके विपरीत सज्जन लोगों के ज्ञान के लिए, दान के लिए और दूसरों की रक्षा के लिए होती है, है ना। जो सज्जन पुरुष है उनकी जो विद्या होती है, जो अच्छे लोग होते हैं, सज्जन पुरुष मतलब जो अच्छे लोग होते हैं, जो पाप गलत काम नहीं करते, कि दूसरों को सताते नहीं, झगड़ा नहीं करते, घमंड नहीं करते, ईर्ष्या नहीं करते, तो वो सज्जन ही पुरुष हुए। और जो सज्जन पुरुष की जो विद्या होती है वो ज्ञान देने के लिए होती है, मतलब दूसरों को वो ज्ञान देंगे, है ना। दान के लिए होती है, उनका जो धन होता है वो दूसरों को दान देंगे। और जो ताकत होती है वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है, मतलब जो सज्जन पुरुष होंगे तो जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे वो दूसरों की रक्षा के लिए करेंगे। वहीं जो मूर्ख होगा वो अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों को सताने के लिए करेगा, है ना। जो मूर्ख होगा, दुष्ट होगा, वो अपनी विद्या झगड़े के लिए इस्तेमाल करेगा, धन अहंकार के लिए और ताकत दूसरों को सताने के लिए। वहीं जो सज्जन पुरुष होंगे, अच्छे लोग होंगे, वो जो उनकी विद्या होगी वो दूसरों को ज्ञान देने के लिए, उनका जो धन होगा दूसरों को दान देने के लिए, और उनकी जो ताकत होगी वो दूसरों की रक्षा के लिए होती है। इसीलिए यही इसमें बताया गया, यही शिक्षा दी गई है कि दुष्टता को छोड़कर सज्जन बनना चाहिए, सज्जन का व्यवहार अपनाना चाहिए, ताकि सब आपके गुड़ गए, सब आपको अच्छा समझें और आप अच्छे लोगों में शामिल हो जाएं। आपको कोई सज्जन पुरुष कहे, सज्जन आदमी कहे, सज्जन मनुष्य कहे।
ठीक है। ये कहानी आप लोग एक तरह की कविता है, एक तरह का श्लोक समझ लीजिए, ये आप लोग को श्लोक है, एक तरह पढ़ाया गया है, तो ये श्लोक से बहुत अच्छी अच्छी शिक्षा दी जा रही है, तो ये आप लोग को पढ़ना होगा तभी ये समझ में आएगा कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, ठीक है। सभी बच्चे ये जो शब्दार्थ दिया हुआ है, ठीक है, तो ये आप लोग कॉपी में करिएगा, ठीक, डेट डाल के कॉपी में लिखिएगा शब्दार्थ को। पहले आप लोग क्या लिखेंगे, आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया है, फिर लिखेंगे चैप्टर 5 संप्रदान कारक, फिर लिखेंगे एक तरफ शब्द, एक तरफ अर्थ, बीच में लाइन खींचेंगे, फिर एक तरफ शब्द, फिर अर्थ। ये शब्द अर्थ लिखिएगा, इसको लर्न करिएगा, इस चैप्टर को रीड करिएगा, यही आपका होमवर्क है। संस्कृत वाले बच्चे, जब मैं क्लास लूँगी तो फिर आप लोग से प्रश्न करूँगी, ठीक है। आप लोग थोड़ा थोड़ा पढ़िए तो आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, बहुत कठिन नहीं है, तो बच्चे पढ़ने की कोशिश करिएगा, ओके, ठीक है क्लास, थैंक यू।